वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं एक मैकेनिकल ड्राइंग आपको बना के दिखाने वाला हूँ। ये ड्राइंग है मैकेनिकल हॉपर का। ये वाइडली यूज होता है प्रोजेक्ट इंडस्ट्री में। जहाँ भी हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं, ये मैक्सिमम हमारा हॉपर ये काम का आता है। कॉनिकल हॉपर, राउंड स्क्वायर हॉपर, तो ये जस्ट ए सिलेंड्रिकल एंड कॉनिकल हॉपर है। तो ये इसका मैं आपको ड्राइंग दिखा रहा हूँ। ये जैसे इसका आउटर इनर डायमीटर 2000 है। यहाँ मैन होल बना हुआ है, नीचे की तरफ आते हुए कॉनिकल होते हुए नीचे 150 का प्लांज बना हुआ है। और इसके प्लांज के डिटेल्स, ये छोटे प्लांज के डिटेल्स, इसका टॉप डिटेल्स, मैन होल डिटेल्स, और उसके ऊपर चिमनी का डिटेल्स, और देन उसका स्टीपनर वगैरह, सपोर्ट प्लेट कितना का रहेगा, कितना उसका थिकनेस होगा, स्टीपनर का साइज कितना होगा, सारे कुछ डिटेल करते हुए इस ड्राइंग में मैं आपको बताने वाला हूँ। मैन होल का साइज कितना होना चाहिए, मैन होल में जो फ्लैंज काउंटर फ्लैंज लगता है उसका बोल्टिंग्स वगैरह, बोल्ट्स के डिस्टेंस कितने होने चाहिए, बोल्ट के साइज कितने होने चाहिए, सेल का थिकनेस कितना होना चाहिए, एज पर एक वॉल्यूम के हिसाब से इसकी कैपेसिटी है 7.5 किलो लीटर। तो 7.5 किलो लीटर का हॉपर अगर हमें बनाना है तो किस प्रकार हम उसका डिटेलिंग कर सकते हैं, मैं इसे उस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हॉपर का हाइट है 2000, नीचे की तरफ 50 डिग्री का ये कोन बनते हुए आते हुए नीचे 150 का फ्लैंज लगा हुआ है। और इसका इनर डायमीटर है 2000, आउटर डायमीटर 2012, एंड फ्लैंज का आउटर है 2112, एंड सेम थिकनेस इज 6 mm। और यहाँ पे एक मैन होल बना हुआ है जिसकी हाइट नीचे से इसकी 75 mm और 600 बाय 600 का मैन होल है। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ से इसे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन कमांड एंटर 2000 जो हमारा हॉपर का हाइट है, एंड देन इसे ऑफसेट कमांड से ऑफसेट एंटर 2000 हमारा हॉपर का इंटरनल डायमीटर है। लाइन कमांड इसे कनेक्ट कर लीजिए, देन लाइन कमांड। अभी एंगल में हमें नीचे का कोन बनाना है, सो या इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, F8 लेस देन प्रेस करेंगे एंड वैल्यू देंगे 50 डिग्री। जो नीचे का हमारा कोन है वो 50 डिग्री के तरफ है, इसे मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा के रख देता हूँ, और इसे जस्ट सिलेक्ट करके मिरर कर देंगे। यहाँ से मिरर करने से वो उस साइड भी बन जाएगा। ओके, ट्रिम कमांड। तो जैसा कि हमारा यहाँ नीचे कोन वाले हिस्से पे 150 का फ्लैंज बना हुआ है, तो 150 का फ्लैंज बनाने के लिए एक रेफरेंस लाइन लेंगे और इसे ऑफसेट करेंगे, ऑफसेट एंटर 75, 75 लेफ्ट साइड, 75 राइट साइड, देन इन लाइन को कनेक्ट करके ट्रिम कमांड से इसे ट्रिम कर देना है। ओके, और यहाँ के बाद एक लाइन, ये हॉपर थोड़ा सा नीचे फ्लांज नीचे की तरफ 60 mm एक्सटेंड किया हुआ है, तो 60 mm लाइन को बना देंगे। इस साइड भी 60 mm लाइन बना देना है, 60 mm। अब हमारा ये जो हॉपर का थिकनेस है वो 6 mm प्लेट से बनाया गया है, तो 6 mm प्लेट को हमें दिखाने के लिए जस्ट सारे आउटर लाइन को ऑफसेट करना है। ऑफसेट कमांड से 6 mm वैल्यू देंगे 6 mm, और बाहर की तरफ क्लिक कर देंगे। ये बाहर की तरफ इस प्रकार क्लिक करेंगे, ये हम हॉपर का थिकनेस दिखा रहे हैं। देन फिलेट कमांड का यूज करेंगे, फिलेट एंड रेडियस 0। थोड़ा सा इसे फाइन ट्यूनिंग करने की जरूरत है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट ओके, देन रिपीट कमांड, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट ओके, रिपीट कमांड, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट ओके, और इसे भी थोड़ा अटैच कर लेते हैं साथ ही साथ। तो इसके बाद हॉपर के ऊपर में एक फ्लांज बना हुआ है, उस फ्लांज के डिटेल्स अभी हम बनाएंगे। इसके ठीक आउटर बॉडी से ये 50 mm बाहर है, 50 mm, और उसका प्लेट थिकनेस है 8 mm, तो नीचे की तरफ 8 mm आएंगे और उसे जस्ट यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। और इसे कॉपी करके सिलेक्ट करके सॉरी इसे ठीक मिडिल से मिरर कर देंगे। तो ये हमारा हॉपर का फ्लैंज बन गया। और इसके बाद इसका जो काउंटर फ्लैंज रहेगा वो भी 8 mm का है, 8 mm ऊपर की तरफ, एंड देन इसे ठीक यहाँ पे लाके कनेक्ट कर देना है। तो ये इसका काउंटर फ्लैंज हो गया। और यहाँ पे जो फ्लैंज में हमारा बोल्ट दिया है, देन उसके बाद उसको हमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो जो हमारा बोल्ट दिया है आप देख सकते हैं इस प्रकार कुछ है दिखाया हुआ है, जिसका PCD है 2062 एंड बोल्ट बोल्ट का होल साइज है 18 mm। तो चलिए उसे बनाते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए रेफरेंस के लिए बीच में, और इसे ऑफसेट करेंगे 2062 बाय 2, दैट मीन्स 1031, सॉरी ऑफसेट 1031,
ये हमें यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट मिल गया, से जस्ट यहाँ ड्रैग कर देते हैं, डिलीट, और इसे ऑफसेट करेंगे 9 mm, 9 mm सेट, 9 mm सेट। तो ये बीच वाला जो लाइन होगा ये सेंटर लाइन होगा, ये बोल्ट का सेंटर लाइन हो गया और ये हमारा बोल्ट है, हम इसे यहाँ पे दिखा रहे हैं, और इसे भी हम हिडन लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। मैं यहाँ पे लाइन लोड कर लेता हूँ, डैशेड हिडन, ठीक है, डैशेड लाइन में ये हो जाएगा। देन इसे जस्ट क्लिक करके MI एंटर, ठीक मिड पॉइंट से मिरर कर देंगे, तो ये इस साइड भी उसका बोल्ड है फ्लैंज में बन गया। अब सेम वैसे ही हमें इधर नीचे की तरफ भी एक फ्लैंज बनाना है, तो नीचे का फ्लैंज का हमारा साइज है 150 mm, जिसका इनर है, और वो फ्लैंज डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो इनर आईडी है 162 एंड आउटर है इसका 280, और 18 mm का होल है, 6 नंबर, 6 नंबर 18 mm का होल है, और होल का PCD है 215। तो हम यहाँ पे उसी को बनाएंगे जिसका फ्रंट व्यू यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। चलिए, तो फ्लांज का OD हमारा है 280, तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं रेफरेंस के लिए। अभी यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे 280, और इसे जस्ट एट मिडिल में ड्रैग कर दीजिए, ठीक है। देन ट्रिम कमांड, ये ट्रिम हो गया, और हमारा फ्लांज का थिकनेस रहेगा 12 mm, 12 mm, एंड ये यहाँ पे, ठीक है। और ये फ्लांज थोड़ा अंदर की तरफ रहेगा, ये फ्लांज अंदर की तरफ रहेगा, और इसका होल्ड एयर है हमारे पास PCD 215, 215 इसका होल्ड एयर PCD है, एंड होल्ड एयर 18 mm। तो लाइन इसे जस्ट ऑफसेट करेंगे 107.5, 7.5 लेफ्ट साइड, 7.5 राइट साइड। देन ट्रिम हमें लेफ्ट साइड करने की जरूरत नहीं है, हम उसे मिरर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो बन जाएगा। तो इसे जस्ट ऑफसेट करना है 9 mm लेफ्ट एंड 9 mm राइट, और ये हम इसे सेंटर लाइन का में मार्क कर देंगे, सेंटर लाइन, और ये दोनों डैशेड, इन दोनों को मिरर कर दीजिए ठीक मिडिल से, ठीक। एंड देन इसका काउंटर फ्लांज बनाने के लिए हमें इसे और एक बार मिरर करना पड़ेगा, और इस लाइन को कनेक्ट कर देंगे, तो ये इसका काउंटर फ्लांज भी बन गया। इसका काउंटर फ्लांज भी बन गया। अब हॉपर के इस मिडल में आप देख सकते हैं एक मैन होल बनाया हुआ है, जो कि जिसका डायमेंशन है 600 बाय 600, उसका इनर डायमेंशन है, और उसके ऊपर फ्लांज है 700 बाय 700, और उसका जो प्लेट थिकनेस है वो भी 6 mm है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं और इस मैन होल को, और जो कि नीचे की तरफ से 75 है, ये भी मैं दिखा दिया आपको। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, RE C एंटर, 600 × 600, और इसे जस्ट मिडिल में ड्रैग कर दीजिए, ये मिडिल में पूरा बना हुआ है, और इसे ऑफसेट करेंगे 75 mm ऊपर की तरफ। यहाँ से इसकी डिस्टेंस है 75, मैं एनोटेट करके दिखाता हूँ आपको, ये 75 आ गया, और इसका प्लेट थिकनेस को बनाने के लिए, 6 mm का प्लेट थिकनेस के लिए जस्ट इसे ऑफसेट करना है 6 एंटर, और बाहर की तरफ ये ऑफसेट हो गया, और इसे एक बार ऑफसेट करेंगे 50 mm, 50 mm ऑफसेट कर देंगे, तो ये हमारा जो आउटर से आउटर है ये 700 का वो फ्लैंज बन गया। देन उसके बाद इसमें होल बनाया गया है जो 16 mm का बोल्ट दिया है, और सेंटर टू सेंटर 132 में बनाया हुआ है। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और ठीक इसके मीड पॉइंट पे सर्कल कमांड एंटर, डी एंटर, डी डायमीटर के लिए 16, ये 16 का होल बना हुआ है, और इसे रेड कर देते हैं, सो रेड।
और इसे अब हम ऑफसेट का ये कॉपी करते हुए जाएंगे 132 में। बोल्ट का जो सेंटर टू सेंटर है 132 है, तो इसे जस्ट अब कॉपी करते हुए जाना है। अभी आप चाहेंगे तो इसी प्रकार इसको चारों साइड बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे जस्ट एरे कर दूंगा। एरे कर देने से ये ऑटोमेटिकली चारों साइड बन जाएगा। एरे करने के लिए ए आर एंटर पोलार एरे, और ठीक इसके एक रेक्टेंगल के सर्कल पर सिलेक्ट कीजिए एंड आई प्रेस कीजिए एंड नंबर ऑफ आइटम 4, एग्जिट। तो आप देख सकते हैं ये 132 के सेंटर टू सेंटर में ये मैन होल का जितना भी हमारा था बोल्ट या ये बन गया। इसे कलर चेंज कर देता हूँ। और अब नेक्स्ट आप ड्राइंग में देख सकते हैं, ड्राइंग के ऊपर हमारे हॉपर के ऊपर में एक चिमनी बनाया गया है, जो चिमनी का डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। चिमनी का स्क्वायर है 250 बाई 250 एंड 100 mm उसका कोन वाला एरिया है, और इसकी टोटल हाइट है 550। 550 इसकी टोटल हाइट है। तो चलिए हम इसे पहले ऊपर में बना देते हैं। और इसका हमारा जो पोजिशन है यहाँ नीचे टॉप व्यू में दिखाया गया है, जो सेंटर से ठीक 628 में है। तो सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ठीक इसके सेंटर में। ये लाइन हमारा हमेशा के लिए काम आ जाएगा, इसे सेंटर में कन्वर्ट कर दीजिए सेंटर लाइन। और यहाँ से ठीक एक लाइन ड्रॉ करेंगे 628, 628, और ये ऊपर की तरफ जाएगा 550, जो हमारा की चिमनी का हाइट है। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे 250 × 250 और इसे ठीक मिडिल में ड्रैग कर दीजिए। एंड यहाँ से एक लाइन से एक्सप्लोड कर देते हैं और इसे ऑफसेट करेंगे 100 mm नीचे की तरफ, जो कि हमारा कॉनिकल हिस्सा है। और हमारा जो पाइप का डायमीटर है वो भी 100 है, ऑफसेट 50। अब इसे जस्ट मिला देंगे। से रेड कर देते हैं, लुक्स गुड। और यहाँ पे कुछ होल्स बने हुए थे जैसा कि आपने देखा, तो हैच कमांड का यूज करके हम हैच एडिट में सेटिंग करने के लिए टी इंटर यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे हैक्स, हैक्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। और स्केल इसको देंगे 10, हमें स्केल बढ़ाना पड़ेगा। हैच एडिट 100 प्रीव्यू, ओके लुक्स गुड। तो ये आप देख सकते हैं हमारा ऊपर की तरफ चिमनी भी बन गया। अब हमारा हॉपर में यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसका सपोर्ट प्लेट और या बेस प्लेट और स्टिफनर के साथ उसका बेस प्लेट बनाया गया है, जिसकी हाइट है 200 बाई 200 और उसका डिटेल्स है यहाँ पे 200 बाई 200 एंड 20 mm का बेस प्लेट है एंड स्टिफनर है 40 × 40। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन कमांड एंटर ठीक इस पॉइंट पे हमें 200 mm यहाँ पे बनाना है। इसे ऑफसेट कर देंगे ऊपर की तरफ 20 mm और ठीक यहाँ से लाइन है ऊपर की तरफ 200 एंड कम्स 40 हियर, और इस लाइन से भी हमें 40 जाना है और इन दोनों को अटैच कर देंगे, ओके। और इस लाइन को भी एक्सटेंड कर देंगे नीचे की तरफ। तो आप देख सकते हैं एज पर डायमेंशन हमारा स्ट्रीटनर बन गया। और सेम इसको उस साइड भी बनाना पड़ेगा, इसे जस्ट उस साइड बनाने के लिए मिरर कमांड MI एंटर एक मिडिल में फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट, ओके। तो हमारा हॉपर का ये स्ट्रीटनर भी बन गया।
अब नेक्स्ट हम आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा ऊपर का ओवर हॉपर ओवरली बन गया। अब इसका हम जो हमारा जो टॉप व्यू है, टॉप व्यू में अभी हमारा एक मैन होल दिया हुआ है, उसके ऊपर जो फ्लैंज है एंड बोल्ट डिटेल्स होल हैं वो भी दिए हुए हैं। तो हमारा ऊपर में हम सबसे पहले इसका तो 2000 इनर हो गया एंड आउटर हो गया 2112 PCD 2062 और 18 mm का होल है 14 नंबर्स। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। सबसे पहले एक सर्कल कमांड चूज करेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इसे सेंटर में लेते हुए सर्कल ड्रॉ करेंगे, डी एंटर 2000 इसका डायमीटर, देन और एक सर्कल डी एंटर 2112 ये इसका आउटर हो गया, देन अगेन वन मोर सर्कल डी एंटर 2062 ये हमारा PCD हो गया। तो ये PCD वाला है, जैसे मैं सेंटर मार्क कर देता हूँ, सेंटर लाइन मार्क कर देता हूँ। एंड देन वन मोर थिंग, इसमें क्या करेंगे, एनोटेट यहाँ सेंटर मार्क सेलेक्ट करके इस पर सेंटर मार्क दे देंगे, ठीक है, से रेड कर देते हैं। यहाँ पे हमारा 18 mm का होल बनाना है और इसे हम एरे कर लेंगे, AR एंटर पोलार एरे, ठीक, मिड पॉइंट से एंड आई प्रेस करेंगे नंबर ऑफ आइटम के लिए 40, ओके एग्जिट। तो हम आप देख सकते हैं हमारा ये बोल्ड अभी बन गया फ्लांज का। और अभी अभी हमें यहाँ पे एक मैन होल बनाना है, तो REC एंटर 600 बाय 600 और इसे जस्ट मूव यहाँ पे, और ये मैन होल है ठीक सेंटर से 124 mm नीचे की तरफ। तो आप इसे अभी चेक कर सकते हैं, ये 124 mm आ गया और इसका आउटर फ्लैंज ऑफसेट 50, बाहर की तरफ इसे ऑफसेट कर देंगे 50 mm, वन मोर ऑफसेट इसका जो सेल थिकनेस है उसे बना देंगे। और इसे हम चाहेंगे तो ऊपर से कॉपी भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल पूरा सिमिलर है जो साइज यहाँ पे है, तो मैं जस्ट इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी और इस पे जस्ट पेस्ट कर। तो ये हमारा मैन होल बन गया और इसमें हमारा जो ऊपर का चिमनी है उसका आप देख सकते हैं, इसका सेंटर पॉइंट से सेंटर लाइन बड़े हॉरिजेंटल सेंटर लाइन से 318 mm यहाँ पे है और वर्टिकल सेंटर लाइन से 628। तो हम जस्ट एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं जो कि 628 और 318 इसका विड्थ, ठीक इसी पॉइंट पे हमारा सर्कल डी एंटर 100 mm एंड रेक्टेंगल 250 × 250 और इसे मूव कर देंगे ठीक सेंटर से, सर्कल के सेंटर से, और इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ये खाली रेफरेंस के लिए था, इसे रेड कर दिए। हमारा जो टॉप एलियर टॉप व्यू में ये चिमनी का भी डिटेल्स बन गया। अब यहाँ पे आप ड्राइंग में देख सकते हैं, यहाँ पे स्टीपनर का जो टॉप व्यू है वो दिखाया गया है, तो इसका हमारे पास डायमेंशन यहाँ पे है, इसका वेट है 200 mm और ये बाहर की तरफ निकला हुआ है वो भी 200 mm एंड इसका जो बोल्ट दिया है ये ठीक बाहर से है 50 mm एंड इसका सेंटर टू सेंटर 100 mm। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से 200 mm 200 mm एंड इसे ऑफसेट कर देता हूँ 100 ऊपर की तरफ 100 नीचे की तरफ, इसे एक्सटेंड कर देंगे, एक्सटेंड ओके एक्सटेंड ओके और इस लाइन को कनेक्ट कर लेना है और ये ऑफसेट होगा 16 mm जो प्लेट थिकनेस है स्टिफनर का, वो 16 mm है। ट्रिम कमांड ट्रिम और इसे भी ट्रिम कर दिया एंड यहाँ पे इसका बोल्ड डिटेल्स दिया हुआ है जो कि ठीक इस सेंटर से 50 mm है, तो मैं इसे 50 mm ऑफसेट कर लेता हूँ और इस वाले लाइन को ऑफसेट 100 mm, ये जस्ट मैं रेफरेंस के लिए सॉरी 50 mm ऑफसेट करना है 50 mm और इन दोनों पॉइंट पे हम सर्कल ड्रॉ करेंगे डी एंटर 22, 22 mm बोल्ट का साइज है जिसमें M20 का बोल्ट लगेगा, डी एंटर 22। थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, डिलीट
ये स्टीफनर हमारा वन साइड बन गया, इसे ये हमारा चारों तरफ है, चारों सर्कल में। इसे जस्ट चारों तरफ बनाने के लिए एरे कमांड का यूज करेंगे, AR, पोलार एरे, एक्सिस ऑफ रोटेशन ठीक सेंटर में, एंड नंबर ऑफ आइटम 4। तो आप देख सकते हैं ये आसानी से चारों तरफ बन गया। अब हमारा जो इसका फ्लैंज डिटेलिंग किया हुआ है एंड चिमनी का डिटेलिंग किया हुआ है स्केल 3:1 में, ये और स्टीफनर का भी डिटेलिंग किया हुआ है, तो इसे आप कैसे बनाएंगे, मैं उसे बनाता हूँ। सबसे पहले हम फ्लैंज ए बनाएंगे, जो फ्लैंज ए यहाँ पे है, जिसका आउटर डायमीटर हमने पहले ही जानते थे 280, एंड 162 इनर डायमीटर, 18 mm का 6 नंबर होल है, 215 इसका इनर PCD है। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे 280 mm का, डी एंटर, 280 mm इसका डायमीटर, ठीक है। एंड देन अगेन सर्कल, डी एंटर 162, एंड देन अगेन सर्कल, सी एंटर, ये PCD वाला सर्कल होगा 215, और इस PCD वाले सर्कल पे हम अपना बोल्ड एयर बना देंगे, डी एंटर 18 mm, और इसे एरे करना है AR एंटर पोलार एरे सेंटर पॉइंट, और ये ऑटोमेटिकली 6 नंबर्स में रोटेट हो गया। ओके, और इसे ऑफसेट करेंगे 20 mm, जो हमारा राइट फेस फ्लांस रहता है उसका कुछ फेस इतना ये एरिया थोड़ा हल्का सा ऊपर की तरफ उठे रहता है NC स्टैंडर्ड के हिसाब से। इसे राइज फेस दिखाने के लिए हम हैच कमांड पे यूज करेंगे, और इसे सिलेक्ट किया हैच एडिट, और इसे थोड़ा सा चेंज कर देना है। इसे हम जस्ट रोटेट कर देते हैं। ओके, ये राइज फेस बन गया, ये हमारा फ्लैंज ए हो गया। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फ्लैंज बी का डिटेल्स। फ्लैंज बी हमारा जो टॉप व्यू है वो सेम है एज फ्लैंज बी का डिटेल्स, तो हम इसे कॉपी करके भी यहाँ पे बना सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ कैसे। हमें जस्ट इसे पूरा कॉपी कर लेना है, हम इसे भी कॉपी कर लेंगे, एंड कॉपी कमांड ठीक इसके सेंटर पॉइंट से F8 यहाँ पे, और इसमें हमारा ये इनर लाइन नहीं रहेगा क्योंकि ये आउटर फ्लांज है, तो ये इनर सर्कल इसमें नहीं रहेगा, और इसे जस्ट एनोटेट सेंटर मार्क और सेंटर मार्क कर दिया। ओके, लुक्स गुड, ये हमारा फ्लांज बी हो गया। तो मैं इसे नाम दे देता हूँ फ्लांज बी और फ्लांज ए, फ्लांज बी टेक्स्ट हाइट 25, और इसे बढ़ाने की जरूरत है टेक्स्ट हाइट 200, ये फ्लैंज बी कॉपी बी, ये फ्लैंज ए, और स्केल 3:1। तो इसे 3:1 में स्केल क्यों किया गया, क्योंकि हमें इसे ड्राइंग में दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि ये काफी छोटा है। तो इसे मैं स्केल कर देता हूँ जस्ट SC एंटर, और स्केल कमांड का यूज करते हुए ये फर्स्ट पॉइंट एंड देन वैल्यू 3। ओके, तो ये 3 टाइम्स में स्केल अप हो गया। सेम हमारा अब यहाँ पे चिमनी से बच गया, तो चिमनी का भी डिटेल्स हम बनाने के लिए डिटेल्स ऑफ चिमनी स्केल 3:1 में बनाएंगे। तो जस्ट हमें क्या करना है, चिमनी हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसे कॉपी कर लेना है, कॉपी वी, और यहाँ पे SC एंटर एंड वैल्यू इज 3 टाइम्स इसे स्केल कर देना है। और ये यहाँ पे जैसा दिख रहा है इसे बनाने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं मैं बता रहा हूँ। ड्रॉ ये फ्री हैंड रेक्टेंगुलर क्लाउड, अभी हमें यहाँ पे ओके ट्रिम कमांड से भी ट्रिम कर दीजिए, ओके ट्रिम, ये देख सकते हैं ये हमारा बन गया। और अभी हमारा सिर्फ हॉपर का स्टीफनर बाकी है, डिटेल्स ऑफ हमें स्टीफनर दिखाना है। तो डिटेल्स ऑफ स्टीफनर बनाने के लिए भी हम
जस्ट स्टीफनर हमने पहले ही बना चुका है। कॉपी यहाँ पे पेस्ट करेंगे लाइन। ओके, मैच प्रॉपर्टीज, लाइन को मैच कर दिया। और इसका साया फ्रंट व्यू 200 mm, 220, ऑफसेट 200 mm, ओके, ऑफसेट 20 mm, लाइन, ओके। फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे ऑफसेट करेंगे 50 mm राइट साइड, 50 mm लेफ्ट साइड। एंड दिस इस वाले लाइन को ऑफसेट फिर से करेंगे, 922 है तो इसका होल्ड है 11 mm, 11:22 का होल्ड लिया था हमारा, तो 11 mm दोनों साइड हम ऑफसेट करेंगे। डिलीट, ये हो गया सेंटर लाइन, सेंटर लाइन, ओके। ये हमारा स्टीफनर भी बन गया, इसे भी हम स्केल करके बड़ा कर देंगे, स्केल 3। तो इसे जस्ट नेमिंग कर देते हैं, चिमनी डिटेल्स, स्टीफनर एंड बेस प्लेट डिटेल्स। तो देख सकते हैं हमारा हॉपर और उसका डिटेलिंग जो भी था, स्टीफनर, प्लान ए, प्लान बी, मैन होल, हमने सब डिटेल करते हुए बना दिया। तो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को एंड मेरे चैनल को। थैंक यू।